नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि संपूर्ण हिंदुस्तान इस समय विकास दुबे पर आंख टकटकी लगाए बैठा है, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सनसनी पूरे देश में एक मच गई है कि विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हुआ है या सरेंडर किया है। अगर सरेंडर किया है तो फिर पुलिस को किया है या फिर महाकालेश्वर मंदिर को किया है। इन्हीं बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बन गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि विकास दुबे कौन है, कहां का है। विकास दुबे एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है जिस पर 2,50,000-2.5 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसे 8 दिन पहले इनामी बदमाश बताया है, क्योंकि इसने 8 दिन पहले पुलिस इसके घर पर गिरफ्तार करने गई, उस दौरान 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, जो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। सबसे पहले मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जो विकास दुबे को गिरफ्तार करने जाने के दौरान शहीद हो गए। मैं उन्हें शहीद की उपाधि दूंगा, क्योंकि उन्हें एक बदमाश ने, एक स्ट्री सीटर ने गोलियों से भूना था, इसलिए उन्हें मैं शहीद की उपाधि दूंगा। मरुधर बुलेटिन के माध्यम से सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसके बाद बताता हूं कि दुबे कौन है, कहां है और कैसे इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। यह कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की मानी जा रही है, लेकिन इसी कामयाबी को एक सवालों के घेरे में मध्य प्रदेश के ही गृह मंत्री ने खड़ा कर दिया है। आखिरकार उन्हें क्या अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं है, या फिर पुलिस की कार्यशैली पर उन्हें अभी भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में से फरार दुबे मध्य प्रदेश में पहुंचा था। मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद में लगातार पुलिस ने टकटकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों पर लगाई रखी थी। कल शाम को राजस्थान में भी अलर्ट किया गया था, कहीं विकास दुबे राजस्थान नहीं आ जाए। लगभग कानपुर से 150 से 200 किलोमीटर की दूरी उज्जैन की बताई जा रही है, यह सूत्रों के मुताबिक बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी के अनुसार इस दूरी को 150 से 200 किलोमीटर आंका गया है। जब 200 किलोमीटर इस दूरी को आंका गया है, उसके बाद लगातार उज्जैन पर मध्य प्रदेश पुलिस की नजर थी। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद मध्य प्रदेश में नई सरकार आई है। शिवराज सरकार आने के बाद लगातार पुलिस शिवराज सरकार के लिए काम करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस को लेकर उनके गृह मंत्री ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि महाकालेश्वर में जब दुबे ने पर्ची कटाई थी, उसके बाद मंदिर में के जो पुजारी हैं, महंत हैं, भक्त, उन्होंने उसकी पहचान की कि यही है विकास दुबे। जब गृह मंत्री का ये बयान आया, उसके बाद पूरी मीडिया में हलचल मच गई कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री का बयान आया कि विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं, उसने सरेंडर किया है। उसके बाद फिर एक बार दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि क्या गृह मंत्री को अपनी ही पुलिस पर विश्वास नहीं था कि मध्य प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है या फिर सरेंडर कर रही है। अगर सरेंडर कर रही है तो फिर उन्होंने पहले गिरफ्तारी क्यों दिखाई, यह एक बड़ा मुद्दा बना है। इस बड़े मुद्दे के पीछे कई सियासी बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सही कहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, योगी सरकार का करीबी माना जाता था विकास दुबे। इस कारण क्या ऐसा रचा गया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर महाकालेश्वर मंदिर में उसने क्यों सरेंडर किया है? सरेंडर करने के लिए विकास दुबे के पास कोर्ट था, उत्तर प्रदेश पुलिस थी, मध्य प्रदेश पुलिस थी, डीजीपी था, एसपी था, तमाम पुलिस के अधिकारी थे। राजस्थान में भी जगन गुर्जर ने सरेंडर किया था इससे पहले, उसके बाद सरेंडर का सिलसिला अब नया आया है। जगन गुर्जर के सरेंडर के बाद में जगन गुर्जर ने सरेंडर किया था, एक निजी समाचार पत्र के कार्यालय में फोन किया कि मैं कल 11 बजे इस स्थान पर सरेंडर करूंगा ताकि मेरा एनकाउंटर ना हो, क्योंकि राजस्थान में भी इससे पहले एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, आनंद पाल सिंह एनकाउंटर के बाद दूसरा जो बदमाश है इसे एक आनंद पाल से भी बड़ा बदमाश माना गया है। कहीं ऐसा ही मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं मैं सरेंडर हूँ, मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं विकास दुबे के मन में ये बात आ रही हो कि मैं एक हिस्ट्री शीटर बदमाश हूँ, अगर मैं पुलिस के सामने सरेंडर होने जाऊँगा और पुलिस उसका श्रेय लेने के लिए कहीं मेरा एनकाउंटर ना दिखा दे, ऐसी भी बातें उसके मन में आई होंगी। लेकिन उसके पहले राजस्थान में एक इसका बिल्कुल एक नया उदाहरण है, जगन गुर्जर जिसने एक निजी मीडिया के कार्यालय में फ़ोन किया था कि मैं कल 10 बजे सरेंडर करूँगा ताकि मेरा एनकाउंटर ना हो। ऐसा करने से आज भी जगन गुर्जर का सरेंडर इतिहास में एक अच्छा सरेंडर माना जा रहा है। लेकिन मंदिर में जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है, उसके बाद उसको सरेंडर का रूप देना कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में खड़ा हो रहा है। मैं अब आपको बताऊंगा कि विकास दुबे कौन है, कहां है, कैसे इसके
उसे सरेंडर किया है। विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर में गया था, पुलिस के अनुसार अब इसे सरेंडर का रूप दिया गया है, तो मैं भी कहीं ना कहीं सरेंडर ही बोलूंगा। हालांकि विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हकीकत बात यह है विकास दुबे एक कानपुर का मुख्य आरोपी है जिसे स्ट्रीटर 2,50,000 का इनाम रखा गया था। हालांकि इसके एक साथी को कल एनकाउंटर के जरिए ढेर भी कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही, किसी और बुलेटिन में आपके साथ होंगे। देखते रहिए मुर्त बुलेटिन। पूछो भाई क्या मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वर्तमान में वो उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है। उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश वो भी गिरफ्तार किए गए हैं महाकाल से। दर्शन करने पहुंचा था, कैसे किस तरह का रिपोर्ट मिला था? पूजा करने के लिए गया है। प्रारंभ दृष्टि में पता चला था कि हमारे एक कांस्टेबल को शक हुआ था घनश्याम। ये सब अभी प्राइमरी बात है, इसको अंतिम न माने। पहली बात उसको शक हुआ तो उसने अपने पुलिस के दूसरे साथी को बताया और उसके बाद में चार कांस्टेबलों ने उसे एक तरफ बुला के बिठा ला और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में आया। और पूछे मंदिर निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है और उसकी गहराई में जाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी आने वाली है। अलर्ट के बावजूद कैसे मध्य प्रदेश में आ सका? अलर्ट के बावजूद ही पकड़ा गया है और रेल चलती हैं, बसें चलती हैं, साधन है, तो ये सवाल ठीक है, अच्छा है, आप कर सकते हैं। विकास को आज मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। उज्जैन के अंदर सुबह बाबा महाकाल जी के दर्शन करने आया था, स्वयं की गाड़ी से आया था। उसके साथ उसके दो साथी थे बिट्टू और सुरेश, उनको भी कस्टडी में लिया गया है। हमारे कांस्टेबल को जब उसका चेहरा देख के शक हुआ तो उसने अन्य साथियों को बुलाया और उसे एक तरफ बिठा ला, उसके बाद कस्टडी में लिया है। पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई है, जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस जब भी पहुंचेगी अंतिम कार्रवाई को आपको अवगत कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार विकास दुबे मंदिर में जो उत्तर प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है उसमें पर्ची कटवाकर अंदर गया है, पूरी तरह से अपना प्रमाण किया है कि मैं ही विकास दुबे हूं। यहां तक कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद तक विकास दुबे ने लगातार यही बोला है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। इन शब्दों से कई बातें साबित होती हैं कि वह खुद की पहचान खुद ही कर रहा है कि मैं विकास दुबे हूं। लेकिन फिर भी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस अपनी ही पुलिस को क्यों सवालों के घेरे में कर रही है, जिस पुलिस ने इतना बड़ा इतिहास रचा है कि 2.5 लाख से 5 लाख इनाम होने के बाद उसे एक मंदिर में दर्शन के दौरान गिरफ्तार किया है, उसे क्यों सरेंडर का रूप दिया जा रहा है, क्या उसके पीछे सियासी बातें हैं, ये सभी बातें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच बातों के बाद हुआ है। आइए हम सुनाते हैं आपको क्या बोले हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।